अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज फिर से यार बाबनास स्टेडियम में एक न्यू अपडेट के साथ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे तो आज उसका जवाब भी देने वाला हो, और बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि यार स्टेडियम पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैं आया हूँ, लेकिन स्टेडियम पर जो है वो काम रुक चुका है क्योंकि PSL यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस वजह से नेक्स्ट PSL के लिए ये लोग जो है वो स्टेडियम तैयार करने वाले है। सब स्टेडियम पर है वो काम रुक चुका है, और जो है नेक्स्ट PSL जो होगा वो इसी स्टेडियम पर होगा इंशाल्लाह। उसके लिए स्टेडियम जो है वो तैयार हो जाएगी। और बहुत सारे दोस्त ने जो कमेंट्स किए थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है। तो इस स्टेडियम पर जो है मैंने गूगल पर सर्च किया तो स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 35,000 मुझे जो है वो गूगल ने दिखाई। अब बाकी जो है पता नहीं है कि कितनी कैपेसिटी है। और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी पूछा था कि यार ड्रेसिंग रूम दिखाए, तो ड्रेसिंग रूम इस अपडेट में मैं आप लोगों को जो है वो भी दिखा दूंगा कि ड्रेसिंग रूम कहाँ पर है, तो वो भी दिखा दूंगा। सो मेरे पेपर भी शुरू हो चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि ड्रेसिंग रूम कहाँ पर है। और तो कि स्टेडियम पर काम रुक चुका है, जो थोड़ा बहुत काम हो चुका है वो दिखाने वाला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यार आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं नहीं आता। यहाँ पर जो है 2-3 हफ्ते बाद मैं आया हूँ, लेकिन फिर भी स्टेडियम में काम जो है वो नहीं हो चुका है। तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत काम हो चुका है वो दिखाने वाला हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से और अपडेट मिस ना हो। सो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो हम स्टेडियम के अंदर इंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे कुत्ते स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं। इस वजह से कि काम हो नहीं रहा है तो बहुत सारे कुत्ते इसके अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेडियम का जो ग्रास है वो मुकम्मल ग्रीन आप लोगों को देखने वाला है, क्योंकि बाहर भी हो चुका है, और इस वजह से जो ग्रास है वो मुकम्मल ग्रीन आप लोगों को नज़र आने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा हो चुका है वो, इस वजह से क्योंकि ग्रास की कटाई नहीं हो चुकी है। ये थोड़ा सा एरिया जो है उसकी कटाई हो चुकी है, मैं आप लोगों को जाके दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो ये जो थोड़ा सा एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है इसकी कटाई हो चुकी है, और इसका ये जो बैक साइड है ये वाला इस पर जो है वो कटाई नहीं हो चुकी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में इस ग्रास की कटाई भी हो जाएगी। और ये देख सकते हो यहाँ पर भी एक कुत्ता सोया हुआ है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को स्टेडियम दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो स्टेडियम, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो लाइन नज़र आ रहा है इस ग्रास की कटाई हो चुकी है, और इस साइड की भी हो चुकी है। और ये आप लोग देख सकते हो जितना भी एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है इस सारे ग्रास की जो कटाई है वो हो चुकी है, और स्टेडियम का मालिक भी आकर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैठ चुका है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को पिच भी दिखा देता हूँ कि पिच आप लोगों को कैसा नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो पिच के अंदर से भी बहुत बड़े बड़े पौधे निकल आए हैं, ग्रास तो ठीक है लेकिन पौधे इसके अंदर निकल आए हैं। तो ये इस वजह से क्योंकि पिच पर भी काम नहीं हुआ है, स्टेडियम पर सारा काम रुक चुका है। सो वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप लोगों को खुद पता है कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो चुके हैं। और ये आप लोग देख सकते हो मैं आप लोगों को सारा स्टेडियम दिखा देता हूँ, कोई भी जो है वो और काम ज्यादा नहीं चुका है, वो सारा जो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट में दिखाया था वही काम जो है अभी भी पड़ा है। इसके अलावा काम जो है स्टेडियम पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को स्टेडियम दिखा देता हूँ। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार स्टेडियम बहुत छोटा है। जिन दोस्तों ने जो ड्रोन वाले शॉर्ट्स वीडियो है वो अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन पर दे रहा हूँ, आप लोग वो जाके देख ले, आप लोगों को पता फिर चल जाएगा कि स्टेडियम छोटा है या बड़ा है। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ये दुआ में याद रखना।